मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक युवक का फौजी बनने का सपना चकनाचूर हो गया। पुलिस कार्रवाई के डर से युवक अपनी जान दे दी है। ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया था युवक। ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए युवक को ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था, जिसके डर से युवक ने ये भयानक कदम उठा लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ऐसा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अग्निवीर में भर्ती होने का सपना पूरा करने से पहले अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी कर लौट रहे नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच की तो शरीर में शराब की भारी मात्रा पाई गई थी। गौरतलब है कि युवक फौज में भर्ती होने की कोशिश में था। सावन का महीना शुरू होने से पहले गटारी यानी कि शराब की पार्टी मनाने के लिए निकले थे ये, क्योंकि श्रावण मास शुरू होते ही लोग शराब और मांसाहार छोड़ देते हैं। मनीष उतेकर नामक 23 वर्षीय युवक थाने के वागले स्टेट में अपने परिवार समेत रहता था। उसके पिता सुरक्षा रक्षक हैं, भाई वाहन चालक है और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। परिवार की माली हालत नाजुक होते हुए भी मनीष ने 12वीं तक पढ़ाई करते हुए फौज में भर्ती होने के लिए अग्निवीर की तैयारी में जुटकर सपने देखने लगा था। लेकिन 16 जुलाई 2023 की रात वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर की ओर जा रहा था, तभी शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर में 176% अल्कोहल पाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है। पुलिस ने कानून के तहत मामला दर्ज किया। 2 दिन बाद उसे कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए तो डरे हुए मनीष ने दूसरे ही दिन कोपरी ट्रैफिक पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी देने और जुर्माना लेकर मामला रफा दफा करने की गुहार लगाई। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून के तहत फैसला देने का हक सिर्फ कोर्ट का होता है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने अपनी असहायता जाहिर की तो मनीष ने ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी मां के पास एक सुसाइड नोट लिखकर पंखे से खुद को जान दे दी। ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ ने इस मामले में उनके कर्मचारियों द्वारा कानून का पालन किए जाने की बात कही है। ट्रैफिक विभाग के DCP विनय कुमार राठौड़ ने इस पर क्या जानकारी दी है। गटारी अमावस्या के रात जैसे हर साल अमूमन होता है कि साल में कुछ चुनिंदा फेस्टिवल्स होते हैं जब लोग ज़्यादातर दारू का सेवन करते हुए बाहर निकलते हैं, तब हम एक्सपेक्टेड इस ग्राउंड्स पे कार्यवाही ड्रंक एंड ड्राइविंग की कार्यवाही करते हैं। और उस रात हमने लगभग 92 केसेस पूरे ठाणे कमिश्नरेट में किए थे, तो इसलिए वो रेगुलर एक हमारी कार्यवाही के चलते हुए हमने ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस किए थे। ये तीनों लड़के ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट विदाउट डॉक्यूमेंट्स और ड्रंक एंड ड्राइव, ये इन सारे इसमें काउंट्स में पकड़े गए थे, परंतु केवल ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस इन तीनों पर की गई थी। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ड्रंक एंड ड्राइव के जो केसेस है ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस है। इसका मतलब है कि ये हमको किसी भी तरह का कंपाउंडिंग की अथॉरिटी नहीं है, हमारे लेवल पे उसको उसके ऊपर फाइन करने के अधिकार नहीं है, तो उसको हमको कोर्ट को ही भेजना पड़ता है और कोर्ट ही इस प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। और इसके चलते ये जो उनकी उनका कहना था कि हमको बार बार उनको विनती कर रहे थे कि आप यहीं पे हमारा फाइन लो, हमको कोर्ट नहीं जाना है, ये उनके किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वश में नहीं था। इसलिए जो कार्यवाही उस वक्त और उसके बाद में जो की थी वो उचित कार्यवाही। सर, ऐसे सोशल मीडिया द्वारा आधी अधूरी माहिती जो सामने आती है, आपके द्वारा लोगों को क्या आह्वान देगा तरुण युवकों को? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि दारू पीकर कोई भी व्हीकल चलाना ये एक बहुत सीरियस अपराध है, क्योंकि वो केवल अपने जीवन को धोखे में नहीं डालता है, रास्ते पे चलने वाले हर नागरिक के जीवन को धोखे में डालता है। इसलिए इस तरह के कार्यवाही करना ये उचित नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सोशल मीडिया में जो इस तरह के मैसेजेस फैलाए जाते हैं वो अनवेरीफाइड हो तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपने वेरीफाई करना चाहिए, रिस्पेक्टिव एजेंसीज को पूछ के फिर अपना मत या व्यू रखना चाहिए।
जहां एक ओर पुलिस खुद को बेकसूर बताते हुए युवक की आत्महत्या के लिए खुद युवक जिम्मेदार है, तो वहीं परिवार के लोग ट्रैफिक पुलिस के दो कर्मचारी पुष्पक और सुधाकर को दोषी करार दे रहे हैं। मृतक के दोस्तों की माने तो दोनों पुलिस कर्मियों ने मनीष से रिश्वत मांगने और न देने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके कारण मनीष ने अपनी जान दे दी। तो प्रकार असा घडला आहे की गेल्या रविवारी दोन हफ्ते आधी जसं गटारी होती, त्या गटारीच्या निमित्ताने आमचा मित्र मनीष उपेकर आणि त्याच्या साथीदार असे दोन मित्र होते, ज्यांनी ड्रिंक अँड ड्राईव्हमध्ये होते, तर त्यांना कोपरी जे पोलीस होती, पोलीस त्यांची बीट चौकी आहे तिकडे, तर त्या ठिकाणी त्यांना अडवण्यात आलं, त्यांना पकडलं, त्यांची जी पण टेस्ट वगैरे होती ती करण्यात आली। आणि त्यानंतर जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की पकडल्यानंतर जी कारवाई होते ती गाडी वगैरे जमा होऊन दोन तीन दिवसानंतर कोर्टामध्ये आपल्याला हजर राहावं लागतं, पण ती प्रक्रिया न करता जसं की आता त्या घटनेमधील जो उपस्थित आहे तो आमच्या सोबतच आहे, त्यांनी जसं आम्हाला कळवलं की त्यांना बोलवण्यात आलं पण त्यांना कोर्टात हजर नाही करण्यात आलं, आणि याच प्रकरणामध्ये त्यांना एक अरेस्टमेंट करण्यात आली। जसं आमचा मित्र मनीष उत्तेकर जो आज आपल्यामध्ये नाही आहे, त्यांनी सुसाईड करण्याच्या आधी एक नोट लिहिलेली, त्या नोटमध्ये त्यांनी ज्या पोलिसांमुळे ज्यांना त्याला त्रास होत होता त्या पोलिसांचा देखील उल्लेख केलेला आहे, आणि त्याच्यासोबत जे भावाचे आपल्या, नमस्कार, मी अमृत कोरे। त्या दिवशी आम्हाला पकडलं होतं, आम्ही थोडे उर्मटासारखे पोलिसांशी वागलो, मान्य आहे मी उर्मटासारखा का वागलो त्यांच्याशी। ज्या दिवशी माझी गाडी पकडली त्या दिवशी आम्हाला पकडलं, त्या दिवशी आम्हाला मशीनमध्ये फुकायला लावलं, मशीनमध्ये फुकताना माझा 90% ऑल्को दाखवला, मला मान्य आहे मी PLO मनीष उत्तेकर जो आज आमच्यात नाही राहिला, त्यांनीसुद्धा मशीनमध्ये फुकला, त्यांनीसुद्धा त्याचा ऑल्को 176 आला होता, बट जी व्यक्ती जास्त प्रमाणात PLO होती त्या व्यक्तीचा ऑल्को 20% नेगेटिव्ह म्हणून असं आम्हाला दाखवलं, तेव्हा मी अक्षरशः पिसाळलो, मी म्हटलं साहेब तुमची खोटी आहे मशीन, तुम्ही खोटं बोलताय, तुम्ही आम्हाला नाही त्या कारणात अडकवताय, मी म्हटलं हे चुकीचं आहे। त्या कारणाने त्यांनी आमचा राग घेतला, तरी आम्ही आमचं सगळं चुकी करूनसुद्धा आम्हीसुद्धा तिकडे जाऊन दुसऱ्या दिवशी जाऊन आम्हीसुद्धा माफी मागितली, 9-9 वाजेपर्यंत चौकीजवळ थांबलो, माफी मागितली, जे काय असेल साहेब जाऊ द्या करा, ते काय ऐकत नव्हते आणि कोणालाही म्हणजे, आणि भाषा पण उर्मटासारखी होती, तुमचं करिअर आम्हाला हे करायचं आहे ते करा, करिअरची पूर्ण वाट लावणार आहे तुमचं करिअर, आता बघतो तुम्ही कशा आर्मी भरती देता हे देता ते देता, हे स्वतः सुतगर साहेब, मोरे साहेब आणि काय पुषक साहेब हे स्वतः होते आणि त्यांची भाषा नव्हती। ते एवढंसुद्धा म्हटले की एकनाथ शिंदेला जरी फोन लावला तरी एकनाथ शिंदे येऊन आमची काय उपटणार नाही, इथपर्यंत तो बोलला आहे सुतकर साहेब, बस एवढंच बोलतो। आणि अजूनही आम्ही जाऊन रिक्वेस्ट करत होतो पण नाही ऐकला, हा माझा मित्र मनीष मनोहर उत्तेकर तो स्वतः जाऊन तिकडे एकटा जाऊन रिक्वेस्ट करत होता, तरी त्यांना तरी त्याला काय दिलं नाही, आणि त्याला जास्त दबाव टाकला, त्याला प्रेशर टाकलं आणि त्याला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळं आमचा मनीष आमच्यात नाही राहिला। आत्महत्याआधी त्यांनी तुझ्याशी काय संवाद साधला काय? जशी आत्ताच आजच सकाळी मला फोन केला, मला बोलला अमृत आपण जाऊया कोर्टात, तू या कोर्टात, मी म्हणलं ठीक आहे मनीष मला फोन कर आपण जाऊया, आणि नंतर मला फोन आला की बाबा मनीष आपल्यात नाही राहिला।